हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी सही होंगे। अच्छा, आपको पता है जब मैं स्कूल में था तो काफी तेज दौड़ पाता था, लेकिन मैं अब दौड़ नहीं पाता हूं। या फिर पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, लेकिन अब इंग्लिश बोल पाता हूं। आज की वीडियो हमारे इसी टॉपिक से बिलोंग करती है कि कोई काम हम पहले कर पाते थे लेकिन अब नहीं कर पाते हैं। माय नेम इज सचिन पाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश फ्यूचर। और आज हमारा डे है 32। आज के डे में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वॉज वर एबल टू। इट इंडिकेट्स एबिलिटी इन पास्ट, यानी पास्ट में कोई काम आप कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तेज दौड़ पाता था। I was able to run fast। मैं तेज दौड़ पाता था। और हिंदी में, हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा आप देखेंगे कि पाता था, पाते थे, पाती थी, या पाया, पाई, पाए, ऐसी आवाजें आएंगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं तेज दौड़ पाता था। तो जो सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव है, सबसे पहले उनको हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से, देन वॉज या फिर वर्ब का यूज करते हैं, देन एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वॉज वर्ब कहां पर यूज करना है आपको? अगर आपके सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या होते हैं सिंगुलर, तो वहां यूज करते हैं वॉज। बाकी के चीज, बाकी के जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि वी, यू, दे, उनके साथ यूज करते हैं वर्ब का। सबसे पहले आपको वॉज कहां यूज करना है, वर्ब कहां यूज करना है, आपको पता होना चाहिए। और जो सेंटेंस सिंपल है उसमें सब्जेक्ट, देन वॉज वर्ब, देन एबल टू फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। या फिर आपको कोई क्वेश्चन करना है इंटरगेटिंग में, तो हम जो हमारे वॉज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स है, वो स्टार्टिंग में रखेंगे। वॉज वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन एबल टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में हमारा आता है डब्ल्यू एच फैमिली, क्वेश्चन वर्ब्स। तो पहले आपको यूज करना है क्वेश्चन वर्ब्स, देन हेल्पिंग वर्ब्स, वॉज वर्ब, देन सब्जेक्ट, एबल टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप वॉज वर्ब एबल टू का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देने जा रहा हूं। फर्स्ट सेंटेंस है, वह अंग्रेजी बोल पाता था, ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसी का नेगेटिव है, वह अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है, क्या वह अंग्रेजी बोल पाता था, वॉज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह कैसे अंग्रेजी बोल पाता था, हाउ वॉज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं कार चला पाता था, आई वॉज एबल टू ड्राइव अ कार। वह तेज दौड़ पाता था, लेकिन अब वह तेज नहीं दौड़ पाता है, ही वॉज एबल टू रन फास्ट, बट नाउ ही इज नॉट एबल टू रन फास्ट। जब हम छोटे थे हम घंटों तक खेल पाते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। When we were kids, we were able to play for hours, but now we are not able to do it. जब मैं छोटा था तो मैं अच्छे से गा पाता था, When I was a kid, I was able to sing very well. हम जहां पर was, were, able to का यूज करते हैं वहां पर हम could का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि When I was a kid, जब मैं छोटा था, I was able to sing very well. या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, I could sing very well. यानी कि could, जब हम could का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है सकता था। बात यह की है, जहां पर हम was, were, able to का यूज करते हैं वहां पर हम could का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, My grandfather was able to play cricket well when he was young. मेरे grandfather अच्छे से पहले क्रिकेट खेल पाते थे जब वो यंग थे। लास्ट है, We were able to play football.
वी वर एबल टू प्ले फुटबॉल, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं वी कुड प्ले फुटबॉल। तो आई होप कि आपको आज के डे की वीडियो समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको वॉज वर एबल टू का यूज करना है और उसकी जगह पर कुड का यूज भी कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। फिर मिलता हूं नए डे के साथ। नमस्ते।